पानी है और ये बोट हमारा आइलैंड। चलो आइलैंड आ गया, आइलैंड आ गया। वाह ये दोस्तों, अब देखिए इतने सारे बोट है यहाँ पे। देखो इधर आ रहा हो, ये देखो इधर आ, इधर कितना बोट है। और ये सेट कर रहा है अपना बोट को। चलिए एक एक करके जाइए। ये आइलैंड में सब लोग उतर रहे हैं। चलिए आइलैंड में हम लोग को डायनासोर का अंडा मिलने वाला है। हम लोग डायनासोर का अंडा खोजेंगे अंदर में। आ रहे हैं, चलिए ना, तुम लेके जाना फोन। फोन गिर गया। ए तुमको नया लेवाना है कहा मेरे से। चलो जाओ वाला जा। तो ये दोस्तों अब हम लोग आइलैंड में उतरने वाले हैं। देखिए आइलैंड में ऑलरेडी पहले से डायनासोर का अंडा मौजूद है। ले ले ले, अच्छा छोड़ दिया। आ रहा हो आइलैंड में, आपका स्वागत है। तो इस आइलैंड में आने का बस एक ही मकसद है, डायनासोर का अंडा खोजना। मैडम ये है, हम लोग आइलैंड में आके देखिए यहाँ से आ रहे हैं बोटिंग करके। और कैसा लग रहा फर्स्ट टाइम आइलैंड में आने के बाद? बहुत बढ़िया। आइलैंड तो फर्स्ट टाइम आई ना। चलो ये देखिए ये सब बोट लगी हुई है और वहां से हम लोग उस दौर से आए। ये दोनों जो है थक गए हैं बच्चे लोग। हाँ ओवर एक्टिंग। चलो हम लोग उधर चलेंगे घास की तरफ। वो घास की तरफ चलेंगे हम लोग। जब भी धनबाद आए तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन टू विजिट दिस लोकेशन मैथन डैम। और बोटिंग जरूर करें, ये मैनुअल बोट है, वहाँ से आप ले लीजिए। 400 रुपया में हमने बोट बुक किया है और यहाँ पे आइलैंड में पहुँचा दिया। 10-15 मिनट एंजॉय कीजिए बोट में। चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए। चलो तो दोस्तों अब हम लोग चले। इधर है हम लोग का लोकेशन, धाने है। ये सबसे टॉप में है आइलैंड के बीच में। और कैसा फील कर रहे हैं इस स्थान पे आके? आप देख ही सकते हैं कैसा। पैसा नहीं दिए नहीं जाएगा। 200 का आप कुछ भी पैसा नहीं दिए हैं। तो रॉक में ठीक से उतरना लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए हमारा टारगेट है उस पानी में जाना है और ये पथरीली रास्तों से गुजरना है। रुक जाओ, आ कम गिव मी। देखो ये लोग उतर भी गया। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू मेरे जैसे। तो ये देखिए दोस्तों कैसे कैसे हम लोग किस रास्ते से आए और यहाँ पे पहुँच गए। जैसे मैं करती हूँ।
इसका कौन हाथ है।
ला 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 हाँ वही तो दम लग हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते देखिए अभी उस टापू से हम लोग काफी दूर आ गए हैं उसी टापू में हम लोग एंजॉय कर रहे थे दीजिए ना मुझे भी थोड़ा और दो ना भूख लगा हुआ निमकिया खाते फोटो खींचे भी कहा रोक ले चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते दो हमें तो निमकी दो बढ़िया ये बच्चा खाने में व्यस्त है हाँ म्यूजिक लगा दे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले चलना बहू जी भी कर ले कम ये तभी फासले तेरा मेरा ना हो किसी हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते देखिए वो कहाँ से जा रहा है भाई तो बोला बहुत दूर चल गया टापू का ना वो बोट वाला से वो वाला टापू का चक्कर में दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो में ये देखिए हिचकोले मार रहा है ये जो बोट है ना हिचकोले मार रहा क्योंकि इधर जो है मोटा बैठा है इधर पतला बैठा है लहरों के बीच हिचकोले मारते हुए ये देखिए वो टापू से हम लोग आ रहे कितना दूर आ गए ना देखिए और हम लोग कितनी दूर आ गए 5 मिनट भी नहीं लगा होगा इतना दूर आने में अब हम लोग देखिए वो उधर जा रहे हैं फाटक की ओर सोचिए देने का कुछ के बताऊं देखिए अब वो हमारा डेस्टिनेशन उधर है हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर आ रहा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो तुमको क्या उल्टी आ रहा वहां भी एक टापू है दूर में देखिए वहां वो कौन दूबी सबूज द्वीप है आप देखिए बोट डॉकयार्ड में आ गया हमारा अब इसमें बांधने की प्रक्रिया आरंभ होगी और आ रहा हूँ बैठे रहो अभी अभी गिरेगा अभी कटा है एक एक करके चले जाइए आप लोग चले जाइए एक एक करके देखना आ रहा हूँ वीडियो यहाँ से तुम जाएगी फोन लेके जाना तुम लेके जाना ले जा ले जा मेरा तरफ वीडियो बनाना ठीक ना चालू है हाँ चालू है जाओ दिखाते जाओ कि कितना मुश्किल है बोट से उतरना इस तरह से बोलते जाओ ना अरे तो कच्चा बांस से बनाता है कच्चा में मिल जाता तो हमारी गाइड यहीं समाप्त होती है दोस्तों अब हम लोग जो है उतरते हैं इस बोट से कितना में बात करते हैं तो हमारा यह सफर पूरा होता है हम दे रहे हैं नहीं हम दे रहे हैं 400 दे दीजिए तो ये हमारा होता है फुल एंड फाइनल वही भाड़ा दे लीजिए चेंज नहीं है ना
400 रुपया में हमारा था राइड इसी बोट से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? हम तो भाई मोती को संभाल रहे थे। आपको कैसा लगा? मेरा कॉन्फिडेंस 50% आ चुका है। भाई तुमको कैसा लगा? वो जम्बूद्वीप में जाएगा क्या? फेंक दो। तो हमारा जो मैथन का टूर जो है एक फेज पूरा होता है बोटिंग से, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथन आते हैं तो बोटिंग जरूर करें। और सब बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खास करके आरव भाई ने पानी में खूब खलखेरिया खेली और दीदी भी बहुत इंजॉय की बहुत दिनों के बाद। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ, आइसक्रीम चाट मसाला और भी जो भी है अवेलेबल हम लोग खाएंगे। हाँ डैम में चलते हैं, लेकिन डैम में हम नीचे नहीं जा सकते। अरे ऊपर ही जाएंगे। हाँ ऊपर से देखते हैं, चलिए।